अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि साउथर्न और ईस्टर्न स्पेन के अंदर जो है शदीद बारिशों की वजह से एक बहुत बड़ी सैलाब की सूरत हाल का सामना है, जिसमें अब तक बाज़ इत्तलात के मुताबिक 95 और बाज़ जो है ज़रा ये इंकशाफ कर रहे हैं कि ये तादाद कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों के बारे में अभी नहीं पता और हंगामी कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं। स्पेन के अमदादी कारकुनों ने बढ़ते हुए कीचड़ वाले सैलाबी पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए तेज़ी से काम जारी रखा हुआ है। सैलाब ने, जैसा कि आपने वीडियोज़ में देखा, कि कारें जो है वो ऐसे तैर रही थी कि जैसे बच्चों के खिलौने तैरते हैं, और इसकी वजह से ज़राए आमदोरफ्त जो है वहाँ पर आने जाने के जो ज़राए हो सकते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खलल आया है। बहुत से लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो बुनियादी ज़रूरियात जिसमें पानी है, बिजली है, गैस है, उसके बगैर जो है वो ज़िंदगी गुजारने पर जो है वो मजबूर हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि स्पेन में 50 साल से ज़ायद अरसे में इस नौयत की बदतरीन तबाही जो है वो नहीं हुई है। और दरवाज़ों के लिए लोहे और लकड़ी की बात हुई पुरानी, अब ज़माना है अल्मीनियम का, जो देर पा भी है और खूबसूरत भी। रेस्टोरेंट के तरासा की कनूपी हो या तोल दो, घरों की बालकोनी को सनशाइन से महफूज रखने के लिए साया हो, सब कुछ तैयार किया जाता है जदीद तरीन मशीनरी पर। माहिर कारीगरों की निगरानी में सब कुछ के लिए हमारे दफ्तर तशरीफ लाएं। परसियाना पोर्तास कोर्नैया, काये दे कोर्नैया मॉडर्न, नंबर 27, कोर्नैया दे युवरिगत। हमारा फोन नंबर है 6624741444। और आपने देखा कि यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज, उन्होंने जो है यहाँ पर फौरी तौर पर हंगामी सूरत हाल को नाफिज किया ताकि लोगों को जो है वो मुतासरीन को बचाया जा सके। लिहाजा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए, यहाँ पर फौज को डिप्लाई किया गया, और फौज के 1000 से ज़ायद जो है वो यहाँ पर अहलकार जो है वो काम कर रहे हैं और लोगों को बचा रहे हैं, उनको जो है वो महफूज मकामात तक पहुँचा रहे हैं। और ये हुआ कैसे, ये 8 घंटे की मुसलसल बारिश थी कि जिसने जो है वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। जैसे कि पहले भी एक वीडियो में मैंने अर्ज़ किया था कि स्पेन जो है वो बहुत ज़्यादा अरसा तक खुश्क साली का शिकार रहा था। कई सालों से यहाँ पर बारिशें ना होने की वजह से पानी के जो ज़खायर थे वो सूख रहे थे, और उसका नतीजा ये निकला था कि डैमों की ये सूरत हाल हो गई थी कि उसमें पानी जो है वो निचली सतह तक पहुँच गया था। और कई ऐसे इलाके हैं जिसमें कतालूनिया भी शामिल था कि इसके कई देहात और कई ऐसे कस्बे थे कि जहाँ पर पानी के इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी, यानी ये कि आप बिला ज़रूरत नहा नहीं सकते, आप अपने स्विमिंग पूल को जो है वो पानी से भर नहीं सकते, आप जो है वो पानी को बेजा जो है वो नालियों के अंदर बहा नहीं सकते। फिर इसी तरह से ज़रात के शोबे में भी ये पाबंदियाँ सामने आई, और वहाँ पर भी लोगों ने देखा कि लोगों को कहा गया कि वो बिला वजह जो है वो अपने फसलों को पानी नहीं दे सकते। फिर उसमें जो है वो मकदार का रखा कि इतनी मकदार तक जो है वो पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये जो है ये बहुत ही हंगामी सूरत हाल है, और इस हंगामी सूरत हाल के अंदर जो है वो लोग जो है वो परेशान हैं। और इस परेशानी के आलम में ख़ास तौर पर यहाँ पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि हमारे कॉन्सलेट और अम्बेसी का जो है वो फ़र्ज़ बनता था कि वो फौरी तौर पर वहाँ जाते, या जो है वहाँ पर जो एमरजेंसी के लिए काम कर रहे हैं उन लोगों से ये मालूम करते कि क्या उसमें कोई पाकिस्तानी भी शामिल है कि नहीं है, क्योंकि वालेंसिया जो है एक ऐसा रीजन है कि जो ज़रात के हवाले से जो है बहुत फेमस है, और यहाँ पर ज़रात का शोबा जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में काम करता है। और आपको पता है कि यहाँ पर पाकिस्तानी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स हैं, और वो उन्हीं इलाकों में रहते हैं कि जो दरियाओं और नहरों के किनारे के ऊपर वाक़े हैं। लेकिन अभी तक जो है हमें किसी ज़राए से भी ये इत्तला नहीं आई कि उसमें किसी पाकिस्तानी की जान जो है वो तो नहीं ज़ाया हुई, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन ऐसी मालूमात का इकट्ठा करके एम्बेसी को फौरी तौर पर जो है वो कम्युनिदाद पाकिस्तानी यानी पाकिस्तानी कम्युनिटी को इससे आगाह करना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आई। हाँ, मेरा ख्याल है कि अगर वहाँ पर कोई खाने की दावत होती या कोई ज़ियाफ़त होती तो वहाँ पर एम्बेसीडर साहब भी पहुँचे होते और कौंसल जनरल बार्सिलोना भी पहुँचे होते। लेकिन इनका मसला ये है कि यहाँ पर जो कम्युनिटी का मसला है, वहाँ पर आकर सिवाय इन्होंने एक दुख दर्द के इजहार का जो है वो एक बयान तो जारी किया है, लेकिन इसके अलावा वहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की दाद फरियाद होनी चाहिए थी, उनका पुरसान हाल वहाँ पर कोई होना चाहिए था। वहाँ पर जाकर देखते कि वो लोग जो है वो किस हालत में। फिर आपको पता है कि हमारी रिहाइशें भी ऐसी होती हैं कि अक्सर ग्राउंड जो है फ्लोर के ऊपर होती है,
या बाज़ लोग जो है वो तहखानों में रहने पर भी मजबूर होते हैं कि जहाँ पर पानी का जो है वो अखराया जो नका दाखला है वो बहुत आसान है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतुबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप, ग्रिल, रोस्ट रान, सालम, बकरा रोस्ट, पसीओ और इज हॉल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम, रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम, चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तुबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बने सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा, कारी अब्दुलरहमान की फखरिया पेशकश, गरीबो अमीर के लिए, बार्सिलोना के कल में वाके आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इश्ते नंबर 9 नेस्ट दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। तो वालेंसिया के इलाके में जो इस वक्त हंगामी सूरत हाल है उसमें हमें सबसे पहले अपनी कम्युनिटी की जो है वो फिक्र होनी चाहिए थी। वहाँ पर ये लोग जाते और जाकर जो है मालूम करते कि क्या कैफियत है, ख़ासतौर पर ज़रात के शोबे से जो वाबस्ता वर्कर्स हैं उनके बारे में मालूम करते, क्योंकि अभी तक कोई अदादोशुमार ऐसे नहीं आए कि ये जो 100 अफराद हैं इनमें से कितने को जो है वो मुख्तलिफ कौमियतों के लोग हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अभी तक जो है इस हुकूमत का जो है ये तायुन करना मुश्किल काम है। लेकिन हमारी हुकूमत को चाहिए था कि वो वहाँ पर जो एमरजेंसी के लिए काम कर रही एसोसिएशन है उनके साथ रबते में रहते, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आई है। तो बहुत बड़ी जो है शिकवे की बात है कि सिर्फ जो है इजहार ताज़ियत के बयान तक आप ना रहें, इससे आगे बढ़कर अमली काम भी करें और अपने दफातर को छोड़ें। आपके पास तो सारी सहूलियात हैं, कोई हमारी तरह का मामला तो नहीं है आपको कि टिकटें लेकर जाना है या वहाँ पर जाकर आपको कोई रिहाइश का मसला होगा। आप जैसे लोगों को रखने के लिए तो वहाँ पर बहुत से लोग जो है वो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपसे तो राह रस्म रखना हर एक की जो है वो कोशिश होती है कि इन लोगों को जो है वो जिस तरह भी हो सके अकामोडेट किया जा सके ताकि इनसे ताल्लुकात हमारे मजबूत हो सके। तो ये था दूसरा ये कि बहुत ही हंगामी सूरत हाल इस वक्त कतालूनिया की भी है, और कतालूनिया के जो जनरल इताद के सदर हैं सिल्वा दोरेया, उन्होंने जो हंगामी बुनियाद के ऊपर एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि जो इस वक्त इलाके कतालूनिया में भी ऐसे हैं कि जो शदीद तरीन बारिश के अलर्ट के ऊपर हैं, और उनके बारे में उन्होंने ये कहा है कि वहाँ के मकीनों को जो है वो अलर्ट जारी किया जाएगा कि जब कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल का इम्कान होगा। तो लिहाजा लोग जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर वो अलर्ट का जो है वो मैसेज वसूल करेंगे, और उसके बाद ये है कि वो सूरत हाल के मुताबिक जो है वहाँ पर जो है वह अदारों के साथ मिलकर जो है ये काम करें। तो इस सूरत हाल में जहाँ पर मैंने एक तरफ जो है पाकिस्तानी कौंसलेट और अम्बेसी के बारे में गिला किया है, वहीं पर मुझे यहाँ की मजहबी तंजीमों और ख़ास तौर पर सियासी और समाजी तंजीमों से भी गिला है कि वो और कुछ नहीं तो कम अज़ कम कोई थोड़ा बहुत तो उन लोगों के लिए काम करें कि जो इस जो है मामलात के अंदर मुतासिर हुए हैं। कोई हमारा जो है वो सर्कल जो है वो आगे आना चाहिए था ताकि पता चलता कि पाकिस्तानी कम्युनिटी इस दुख की घड़ी में जो है वो स्पेन के मकीनों के साथ है। नाज़रीन मोहतरम, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह तबारक व तआला की हजूर दुआ है कि वह हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे, और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात और ज़ियारत नसीब फरमाए, और सैलाब में जो घिरे हुए लोग हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी मुश्किलात और मसाइब को कम करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।